बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक अपने पास है बच्चों आज के का अलजेब्रा। अलजेब्रा जो टॉपिक है आपके पास एडवांस मैथ का एक पार्ट है। इसके अंदर आपके पास आपको ए प्लस बी सारे का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी सारे का स्क्वायर, ए की पावर ए प्लस बी सारे की पावर 3, ये तीनों चारों जो फॉर्मूले, मेन बात है कि फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले आते हैं तो अलजेब्रा चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, अलजेब्रा जो चैप्टर आपके पास, देखो जैसे दो फॉर्मूले पहले आप करते हैं, पहले इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ए प्लस बी सारे की पावर 2 आपने लिखा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ए, और एक आपके पास होता है ए माइनस बी सारे का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अलजेब्रा की प्रैक्टिस शीट बना के भेज दे एक बार, अलजेब्रा की शीट बना के भेज दे एक बार। ठीक, तो आपके पास a प्लस बी सारे का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी सारे का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर यहां पर आपके पास माइनस आता है तो सिर्फ यहां पर माइनस आएगा, और अगर आपके पास यहां प्लस आता है तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, क्लियर है? तो ये दो चीज है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप इसको यूज करना सीखते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी कैसे यूज होती है, जैसे मान लीजिए पहले हम बात करते हैं नीचे वाली आइडेंटिटी की। चलो मैं अगला पेज ही ले लेता हूं। यहां पर देखो आपके पास ए प्लस में बी सारे का स्क्वायर है जैसे, और आपने इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। कई बच्चों को ये यूज करनी नहीं आती तो भी दिक्कत है। देखो ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी का मतलब होता है दूसरी संख्या। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने यहां पर एक संख्या लिखी एक्स प्लस 1/x, इस सारे का स्क्वायर खोलना है, तो मेरे पास पहली संख्या को क्या मानेंगे, एक्स, और दूसरी संख्या क्या होगी, 1/x। तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। समझ रहे हो, ये 1/x अलग चीज है और ये x क्या है, अलग चीज है। ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, b है। तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस में, फॉर्मूले में क्या था, 2, a की जगह बच्चों क्या लिखा हुआ है, x, और b की जगह क्या लिखा, 1/x। ये आपस में गुणा में होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², ये आ गया यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस में ये कट जाएगा, तो आपके पास यहां पर कितना आ गया, समझ में आए? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर इसका यूज करना सिखाता हूं क्वेश्चन के अंदर, इसका यूज कैसे होता है, फटाफट कीजिए, शाबाश, जितनी जल्दी हो सके इसको नोट डाउन कर लीजिए। करिए शाबाश, जल्दी से जल्दी नोट डाउन इसको, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड। चलिए नोट डाउन। अब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनता है किस तरीके से बनता है, एक्स प्लस 1/x बराबर में जैसे आपको दे दिए यहां पे 3, ठीक है, हो सकता है 5, हो सकता है 7, 11, 13, 17, कुछ भी दे दे, तो मैं इसको 3 ना मान के यहां पर एक बार नंबर मानूंगा, कितना मानूंगा, नंबर, ठीक है। अब मुझे यहां पर बोला पेपर वाले ने कि मेरे को ये दिया हुआ है कोई भी एक नंबर, तो फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इस तरीके से देगा, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। तो आपको इसके लिए देखो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा एक बारी, मेरे को अगर ये निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए वहां पर एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पर जो भी नंबर दिया होगा ना यहां पर पावर 2 करूंगा। अगर मुझे यहां पर पावर 3 पूछेगा, क्या पूछेगा, 3, तो मैं इस यहां पर भी सारे की पावर कितनी करूंगा, 3। जो हमें वहां पर चाहिए ना उसके हिसाब से हमें यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे वहां पर पावर 2 चाहिए, तो मैं यहां पर पावर क्या कर दूंगा, 2। मैंने क्या किया, यहां पर दोनों की पावर 2 कर दी, और यहां पर भी दोनों की पावर क्या कर दी, 2, तभी तो बराबर रहेगी। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, लास्ट बेंच, थोड़ा सा बिजी है क्या, कहीं करने रिप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद ध्यान यहां दे लियो, एक बार चैप्टर निकल गया ना भाई समझ नहीं आएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहता है एक्स प्लस 1/x बराबर में कोई नंबर दिया हुआ था, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, यहां पर भी पावर 2 कर दी, यहां पर भी पावर 2 कर दी, पावर 2 ही क्यों की, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट वहां पर कितने की थी, 2 की। अपने आप मर्जी से कुछ नहीं करना, ना ही कभी रट्टा मारना कि सर ने 2 पावर की थी मैं भी 2 कर दूं,
सर ने तीन की थी, मैं भी तीन कर दूं, जैसी शक्ल होगी वैसी शक्ल बनाने के लिए चैप्टर बना, ठीक है। अब मुझे यहां पे पता है ये ए है और ये क्या है बी, अभी मैंने इसको खोला था तो आपके सामने यहां पर आई थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस में टू इंटू ए बी, ए था मेरे पास एक्स और बी था मेरे पास वन बाय एक्स था ना, और इधर मेरे पास क्या रह गया नंबर की पावर बन गया ए, समझ आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस में टू ए ये है बी ये है, यहां तक आया था। फिर मैंने यहां पर देखो क्या किया, इन दोनों को यहां पे काट दिया, कट जाएगा x से 1 by x, तो मेरे पास यहां पे बचा x square plus में 1 by x square plus में 2 बराबर में क्या आ गया बच्चों नंबर आ गया का square, ठीक है यहां तक। अब मेरे को क्या चाहिए देखो वहां पे x square plus 1 by x square चाहिए, सिर्फ x square plus 1 by x square, तो ये plus 2 मेरे पास फालतू है, इस plus 2 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास यहां पर आ गया x square plus 1 by x square, मुझे इसी की जरूरत थी, और मेरे पास यहां पे क्या लिखेंगे नंबर की पावर 2 लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2। इसका मतलब कभी भी अगर आपसे पूछे कि x square plus 1 by x square क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसकी पावर 2 करके उसमें से कितना घटा देंगे 2। फिलहाल मेरे पास जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर ही कि आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि x प्लस में 1 by x बराबर में आपके पास दे रखा है 7, क्या दे रखा है 7, और मुझे यहां पे पूछा x square plus 1 by x square किसके बराबर होगा, तो मैं क्या करूंगा जो भी नंबर दिया होगा ना इसकी पावर 2 करके क्या कर दूंगा माइनस 2। अगर मेरे पास 3 दिया होगा तो 3 की पावर 2 करके क्या कर दूंगा माइनस 2। 11 दिया होगा तो 11 की पावर 2 करके क्या कर दूंगा माइनस 2। आपका आंसर तैयार है, समझ में आया कंसेप्ट, आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना आसान आ गया तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, नंबर की पावर 2 करके माइनस 2, तो आपका 7 की पावर 2 होता है 49, 49 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया 47। समझ में आई बात, करिए नोट डाउन, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं जिसके लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर तो निकालना आ गया। सबसे खतरनाक चैप्टर में से एक चैप्टर है मैथ में एडवांस का अलजेब्रा, करिए 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 शाबाश, एक बार नोट डाउन कीजिए फिर वापस आते हैं अगले कंसेप्ट पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम लाइव वालों, आज ऑनलाइन क्लास लाइव इसलिए कर दी क्योंकि पेपर है बच्चों का एसआई का, और एसआई में ये टॉपिक आ रहा है दबा करके, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस चैप्टर में से एक एसआई वाले पेपर में, तो अपना सीरियस होके पढ़ लेना भाई, जिसको बीच में से समझना है वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, कर लिया यहां तक नोट डाउन। चलो अब मैं एक दो प्रैक्टिस करवा देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। x प्लस वन बाय एक्स बराबर में 11 दे दिया, तो फटाफट बताओ x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा फटाफट, तो जितना भी नंबर दिया होगा उसकी पावर 2 करके माइनस 2, 121 माइनस 2 आंसर आ गया 100 आ गया। अब कहता है दोबारा स्क्वायर पूछ ले, x की पावर 2 का स्क्वायर क्या होता है x की पावर 4, फिर 1 बाय एक्स की पावर 2 की पावर करोगे तो यहां पर कितना होता है 4, तो कहता है अगर आपसे ये पूछ ले कि इसी क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो कैसे निकालोगे, इसी क्वेश्चन का आंसर पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 क्या होगा, तो आपके पास जो भी नंबर आया था 119 इसकी पावर 2 करके दोबारा क्या कर दोगे माइनस, समझ में आई मेरी बात। अगर आपसे x की पावर स्क्वायर पूछे तो आपने क्या कहा था नंबर की पावर 2 करके 2 घटाया था। अब आपके पास पेपर के अंदर पहले से यदि आ गया कि x square plus में 1 by x square बराबर में, मान लो मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं 5, तो कहता है x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4 मेरे भाई कितना आएगा आंसर, 25 में से 2 गया 23, तब भी तो यही करोगे, तो आपके पास जो आया 5 की पावर 2 माइनस 2, तो आपके पास 25 में से 2 गया आंसर कितना आया 23, समझ में आया। आपको पावर डबल करनी है, 2 की पावर डबल कितना होता है 4, अगर पावर डबल करनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हर बार लगता है, अगर यहां पे 7 दिया होता तो डबल करना है तो आंसर यहां पे क्या पूछेगा पेपर वाला 14, समझ आई मेरी बात। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास अगर पावर डबल कर रहा है तो स्केल करके माइनस क्या कर दोगे 2, तो 119 का वर्ग निकाल लोगे और 119 के वर्ग में से कितना घटा दोगे 2 घटा दोगे,
119 का वर्ग कितना होता है? अरे बताओ, निकालो 119 का वर्ग कितना होता है, उसमें से दो घटाओ। एक सौ उन्नीस और उन्नीस का होता है 171, तो 138 और 171 कितना आ रहा है? 14,161। इकसठ आ रहा है क्या? देख लेना एक बारी दोबारा, बताओ। बच्चों का अलग आ रहा है, किसी का 13,63,61 आ रहा है, किसी का 14,161 है, ये आएगा देख लेना। यही है, इसमें से कितना घटा देंगे? दो, तो आपके पास आएगा 14,100। ठीक है, दो घटाना भी तो है ना आंसर के लिए, समझ में आया? तो ये इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर दो चार क्वेश्चन आपको इस टाइप के अलग अलग करवाते हैं, जल्दी करो फटाफट। हाँ हाँ, तो वही तो किया है। अगर आपसे इसी के अंदर पूछ ले x की पावर 8 प्लस 1 बाय x की पावर 8 ऐसे ऐसे, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 529 में से दो घटा दोगे बस, 527, समझ आ गई? फिर क्या करोगे? 23 की पावर 2, 529, 529 में से दो घटाया 527, समझ आई? अगर आपके पास पेपर में ये आए और यहां से पहले ये निकाला और फिर यहां से ये निकाला, तो आंसर क्या आएगा? 527। नहीं समझ आई? हो गया ये? देखो, अगर आपके पास जैसे 119 आया था, आपने 119 का वर्ग निकालना है, तो आपके पास 119 जो दिया हो ना, इसमें 100 के बाद जितनी संख्या है पहले तो वो जोड़ दो, 138 बन गया। 100 से ऊपर जितनी संख्या है, 100 से ऊपर कितनी है? 19, तो 119 में हमने क्या जोड़ दिया? 19। उन 119 और 19 मन में जोड़ सकते हो, 138 बन गया। फिर कहता है जो 19 आपने जोड़ा था ना, ये आपने एक्स्ट्रा, ये जो 19 आपने जोड़ा था, इसका वर्ग आपको अगर पता है तो सीधा निकाल दो, कितना होता है? 361। कहता फिर आपके अंदर लास्ट वाले अंक में इसको जोड़ना है, ऐसे ही जो आपके पास जो संख्या बनती है ना, ये इसके अंदर जोड़ना है। 1, 6, 8, 3, 11 आपके पास एक बचेगा, क्या आएगा ये? तो आपके पास आएगा 14,161। ऐसे जैसे मान लीजिए आपको 104 का निकालना है, पहले आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, 104 का वर्गमूल वर्ग निकालना है, तो क्या करना है? 104 के वर्गमूल में, 104 में 100 से कितना फालतू है? 4, तो पहले तो इसमें 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 108 जोड़ दिया। फिर कहता है 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो आंसर आ जाएगा 10,816। जैसे मान लो आपको 106 का निकालना है, तो 106 का निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तो ये 6 जोड़ दोगे, 112 बन गया, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36, तो आंसर आ गया 112, 36। इसको मतलब में आप निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है? अब यहां पे गड़बड़ कहां है? 19 वाला है, 19 के अंदर आपके पास 3 अंकों में आंसर आएगा 361। अगर 2 में आता ना ये, तो 61 पीछे लगा देते, अब 3 में आया तो तीसरा अंक ये कवर करेगा, तो 138 और 3 141 और पीछे 61 का 61, समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 108 पूछ लेगा, तो 108 का फटाफट बताओ मन में बिना कॉपी पेन के कैसे निकालोगे? 108 में 8 जोड़ोगे 116, 116 के पीछे कितना लगा दोगे? 64। नहीं समझ आया? तो 11,664, इसको आप सीधा निकाल सकते हो दिमाग में, क्लियर हुआ पॉइंट? 100 से ऊपर वाला जब भी आपको निकालना हो, बाकी टाइम टू टाइम जैसे जैसे होगा बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल देखो अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या था? अगर मेरे पास यहां पर रूट एक्स प्लस में 1 बाय रूट एक्स ऐसे दे दे कि यहां पर आपको दे दिया 7, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? फटाफट बताओ, पहले मैं छोटा एग्जांपल दे देता हूं आपको 3, ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो, फटाफट दबाइए, फटाफट, शाबाश। ये बच्चे रूट एक्स है और ये है, अगर एक्स होता तब भी तेरा आंसर 7 आना था, अब यहां पे रूट एक्स है तब भी आंसर 7 आया, ये कोई बात थोड़ी हुई।
सबसे पहले रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो यहां पे तीन की पावर दो माइनस दो, तो नौ में से दो गया सात। तो पहले तो आप ये निकालोगे एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर में कितना दे रखा है सात। अब यहां से आपके पास इसकी तरफ जाओगे, जब इसकी तरफ जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा सात दिया हुआ था, उनचास में से दो गए आंसर कितना आया सैंतालीस। नहीं समझ आई, आ गई। पहले रूट एक्स से हम बनाएंगे पावर करके दो, पहले जब रूट एक्स की पावर दो करोगे तो मेरे पास बनेगा एक्स, तो मेरे पास एक्स बनेगा एक्स के एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर तीन की पावर दो, क्योंकि यहां पे तीन दिया था, तीन की पावर दो माइनस दो, तो नौ में से दो गया सात। यहां तक समझ आ गया। फिर कहता है समझो कि पेपर वाले ने दिया यही है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर में सात, पिछला क्वेश्चन बन गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर सात दिया था और आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब जब इसका दोबारा स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, और जब इसका दोबारा स्क्वायर करोगे तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो सात की पावर दो माइनस दो, उनचास में से दो गया आंसर कितना आया सैंतालीस। कोई बच्चा जिसको ना समझ आया? हाँ भी रेड शर्ट, आ गया समझ में पक्का? ले फिर अगला क्वेश्चन तय ही बताओ। रूट एक्स प्लस में वन बाय रूट एक्स बराबर में पांच, पता एक्स की पावर दो प्लस वन बाय एक्स की पावर दो किसके बराबर होगा? फटाफट तेने ही आंसर देना और किसी ने नहीं देना, जल्दी बता। मतलब कि अगर आपके पास दो स्टेप जा रहे हैं तो दो बार उस प्रोसेस को रिपीट करना है। पहले रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स से क्या निकालोगे एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना आएगा तेईस, फिर दोबारा वो स्टेप लगाओगे क्योंकि हमें पावर कितनी चाहिए दो, तो फिर 23 का वर्ग होता है 529, 529 में से दो घटाओगे आंसर 527 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 527। किसी को समझना हो पूछना हो तो पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर हाँ ना करो ना, तुम्हारे लिए क्लास है, पड़ोसी के लिए तो है नहीं क्लास। रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स बराबर में आपके पास कितना है पांच, अब ध्यान से देखिए दिया रहा। इसको समझ नहीं आया यहां से देखो, देखो अगर मैं इसका पावर दो करूंगा बच्चों तो यहां पे पहले बनेगा रूट एक्स की पावर दो प्लस में यहां बनेगा वन बाय रूट एक्स सारे की पावर दो प्लस में टू इंटू में ए, ए क्या है रूट एक्स और बी क्या है वन बाय रूट एक्स, और बराबर में इधर बनेगा पांच की पावर दो, बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ये लिख सकता हूं, इधर दो किया तो इधर भी पांच की पावर दो करेगा, ठीक है। तो यह कहता है ये जब करोगे ना बच्चे यहां पे तो ये कट जाएगा, ये x से ये स्केयर वाला और वर्गमूल से कट जाएगा, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा वन बाय रूट एक्स का बनेगा वन बाय प्लस में टू रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा बराबर में पांच का स्केयर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आपके पास x प्लस वन बाय एक्स बराबर में प्लस दो उधर जाएगा 25 में से दो गया आपके पास कितना बचेगा 23, हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना आ गया 23, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है x प्लस वन बाई एक्स बराबर मेरे पास 23 आ गया, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो अभी आपको बताया था अगर x से आपको पावर डबल करोगे, किसी की भी पावर डबल करोगे तो रूल कहता है नंबर की पावर दो करके कितना घटा दोगे, तो आपके पास वही 23 की पावर दो करके आपने दो ही तो घटाया है। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको दो बार प्रोसेस लगाना है सेम टू सेम, आंसर आपके पास 527 आ गया। आपको वर्ग याद होने चाहिए 30 तक, बस खेल समाप्त 30 तक अगर याद है तो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा। चलो अब ये तो था प्लस वाला, अब आपके पास आता है माइनस वाला। अगर यहां पे आपके पास माइनस आ जाए एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर में नंबर, तब आप क्या करोगे अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है तो पूछेगा प्लस ही, यहां पे यहां प्लस ही पूछेगा लेकिन यहां पे क्या दे देगा माइनस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आप क्या करोगे, वही करोगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मुझे यहां पर ये चाहिए, क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो मेरे पास अभी भी वही लगेगा आपके पास ए माइनस बी वाला, क्यों लगेगा देखो, अगर मुझे पावर दो चाहिए तो इसके लिए पावर दो तो करनी पड़ेगी, जब पावर दो करोगे इसकी तो एक्स माइनस वन बाय एक्स सारे की पावर दो करोगे तो यहां पर भी नंबर की पावर क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो अब मैं इसको खोलूंगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर
अब यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस किसके पास, टू के पास, जहां पर माइनस टू इंटू ए बी, ए कितना था एक्स और बी कितना था वन बाय एक्स, तो आपके पास नंबर की पावर दो, समझ में आया, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, होता है ना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। अब आपके पास देखो वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहां पर आपके पास एक्स से वन बाय एक्स कट गया, तो मेरे पास यहां पर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर, इस बार यहां पे क्या आएगा माइनस टू, और यहां पर आएगा नंबर की पावर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया, नंबर की पावर दो, माइनस वाला इधर आकर के आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आया, करिए इसको नोट, अगर आपके पास यहां पर माइनस आएगा तो आपके पास यहां पर क्या करना पड़ेगा प्लस, अगर स्टार्टिंग में माइनस दिया तो यहां प्लस करोगे, प्लस दिया तो यहां पे क्या करोगे माइनस, उल्टा करना, करिए नोट डाउन, शाबाश, फटाफट नोट डाउन कर लो भाई इसको। हो जाएगा ये, चलो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। यहां पर कहता है कि अगर आपके पास x माइनस वन बाय एक्स बराबर पांच दिया है तो फटाफट बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, जल्दी साइज के, है ना, तो पांच का स्क्वायर अगर यहां माइनस है तो यहां पे क्या कर दोगे प्लस, पांच का स्क्वायर होता है पच्चीस, पच्चीस प्लस में दो, आंसर आपके पास आ जाएगा साइज। और इसी तरीके से अगर आपसे दोबारा पूछ ले एक्स की पावर चार प्लस वन बाय एक्स की पावर चार, तो फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, सात सौ एक लगाऊंगा कान के नीचे, सात सौ इकतीस बनोगे, मुझे पता था तुम ये चलाकी करोगे, सात सौ एक, नेड़े तेड़े को नहीं, ये नेड़े तेड़े तो पहुंच गए, इन्होंने मार खाने वाले काम तो करे थप्पड़ वाले, तुम्हारा क्या करें, अक्षित रेजा का बिल्कुल सही है, अनमोल का गलत है, अक्षित का सबसे पहले बिल्कुल सही है, हाँ देखो क्यों आएगा। अब आपके पास यहां पे स्केयर है, अभी तो स्केयर है, जब स्केयर वाला हो स्केयर से वापस आपको डबल करनी हो तो पावर क्या करते हो, वर्क करके माइनस दो करते हो कि प्लस दो करते हो, जब माइनस दिया होगा तो प्लस तो कर ही दिया, अब ये तो भाग गया दुनिया में ही नहीं है, तो अब तो आपके पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर में सताइस, और आपको पावर चार लगानी है, पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया ये आपके पास, समझो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, न्यू ना करो, ये आपके पास बन गया यहां तक, यहां तक तो ये आ गया ना, आपको यहां से निकालना है पिछले वाले को तो अब देखना नहीं, अब जो फॉर्मूला लगेगा पावर दो वाला वो किस पे लगेगा, इस पर लगेगा ना, तो आपके पास अगर प्लस दिया हो तो क्या करते हैं माइनस, एक्स की पावर चार प्लस वन बाय एक्स की पावर चार स्टाइस की पावर दो, और अगर यहां प्लस दिया है तो यहां पे क्या करोगे, और माइनस दिया है तो यहां पे प्लस करोगे ना, तो आपके पास स्टाइस का वर्ग कितना होता है पांच सौ सॉरी सात सौ उनतीस और माइनस का दो, तो आपके पास यहां पर सात सौ स्टाइस, ये आपके पास आंसर आ गया, करिए नोट डाउन, ये 731 वाले ये गलती मत करो भाई, पेपर में भी करोगे तुम आधा अधूरा ज्ञान नुकसान करता है, तभी कहता हूं ये YouTube पे जो तुम पढ़ते हो ना अपने आप को समझते हो मैथमेटिशियन बन गए, ऑफलाइन क्लास की भी ना बात नहीं बनती, ये ऑफलाइन क्लास थी आज वैसे ही YouTube पे डाल दी, ताकि चलो परसों पेपर है कुछ बच्चों का भला हो जाए, अलजेब्रा से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर SI में, ठीक है, तो भाई बढ़िया ढंग से इसकी तैयारी कर लो, निपटा लो इस चैप्टर को, तुम में से भी है क्या किसी का SI का एग्जाम,
भरा हुआ ऑफलाइन में सारे छोटे बाड़े को? नहीं है, किसी का ही नहीं है। लक्ष्य का तो होगा शायद, वो कहाँ है दोनों? आज आया है ना, ये दिख रहे बैग वो, ये पड़े हैं, ये मोहमाया में फंसे हुए हैं मॉल टाउन की। ये मॉल टाउन की मोहमाया नुकसान करती है। जब से मॉल टाउन में अकेडमी ली है ना, ये दिक्कत है। पहले वहां थी कूड़े में, वहां पे पूरे सारा दिन क्लास में बैठे रहा करते थे, कुछ दिखता ही नहीं था, सामने बस एक ठेका था। दिन में ठेके का मूड नहीं बनता, इसलिए सारे दिन क्लास में बैठे रहते थे। पर यहां मॉल टाउन में अकेडमी ला के गड़बड़ी कर दी। चलो कोई बात नहीं, भगवान अच्छी बुद्धि देगा, मोह माया से निकलोगे। ये समझ में आ गया? कहता है अगर आपके पास प्लस दे दे यहाँ पे तो माइनस करते, और माइनस दे दे तो प्लस करते। लेकिन बच्चों पहले से प्लस दे रखा है ना यहाँ पे, तो वहां पे क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर हो गया यहां तक? चलो अगले कंसेप्ट पे चलते। अगला आपके पास आता है कंसेप्ट, देखो क्वेश्चन ये x प्लस वन बाय एक्स बराबर में दो। तो बताओ x की पावर दो प्लस वन बाय एक्स की पावर दो किसके बराबर होगा? x की पावर 17 प्लस वन बाय x की पावर 19 प्लस x की पावर 47 प्लस 1 बटा x की पावर 99 किसके बराबर होगा? इसी क्वेश्चन के दो क्वेश्चन, क्या? वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ चुका लाइव में। लाइव वाले बच्चे नौकरी लगने के लायक है, तुम हो नहीं है। जीरो इसका कैसे? तो इसका दो का वर्ग नहीं करेगा है? यहां पे जो नंबर होता है उसका वर्ग भी तो करेगा। नंबर की पावर दो माइनस दो नहीं करेगा, तो दो की पावर दो माइनस दो, चार में से दो गया, आंसर कितना आया? दो। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जो तरीका बताने वाला हूं, ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। जो तरीका बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जब भी आपके पास यहां पे कितना दिया है? दो। क्या दिया है? दो। तो आपको ये तरीका लगाने की जरूरत भी नहीं है। देखो जब आपके पास यहां पे दो आ जाए, आपको यहां पे पुट करनी है वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करके देखनी है हमेशा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां पे मैं एक से स्टार्ट करता हूं, अगर मेरे पास प्लस में है तो, और माइनस में हो गया तो किस में स्टार्ट करूंगा? माइनस में। तो एक वैल्यू पुट करता हूं एक्स की जगह, और यहां पर भी कितना रखूंगा? एक की जगह एक। बराबर में कितना दिया था? दो। चेक करके देखेंगे क्या दो आता है, एक प्लस में एक बटा एक कितना होता है? एक। बराबर में तो दो बराबर में, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक। हमारी सही आ गई। अगर एक्स की वैल्यू एक बढ़ने से आंसर दो आ रहा है बराबर बराबर, तो इसका मतलब एक्स एक है। अगर यहां पर मैं दो करता हूं तो आंसर देखो क्या आएगा? दो। दो प्लस में एक बटा दो बराबर में दो, दो प्लस में एक बटा दो होता है ढाई, बराबर में दो। क्या है बराबर आया? नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब दो नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो हमने कितना माना था? एक। समझ में आया? एक्स की जगह मैंने यहां पे एक भर दिया, तो यहां पर भी एक रखना पड़ेगा। बराबर में कितना आना चाहिए? दो। करके देखो एक प्लस एक दो बराबर में दो, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? एक। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता ना, तब कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा x की पावर दो प्लस वन बाय x की पावर दो, कभी नहीं पूछेगा आपसे ये, पूछेगा कुछ भी आपसे ये पूछेगा x की पावर 1001 प्लस में वन बाय x की पावर ये, तो शक्ल देख के डर जाओगे, समझ में आई? लेकिन डरना नहीं है, जब भी यहां पर दो आएगा ना तो एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? एक। तो यहां पर आपको एक्स की वैल्यू एक भरनी है, एक की पावर कुछ भी कर दो, एक की पावर कुछ भी कर दो कितनी रहती है आंसर? एक। एक की पावर 1001 कर दो तब भी रहेगा एक, नीचे भी एक बटा इसकी पावर कुछ भी कर दो एक, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? अगर दो ही आंकड़े हैं तो, यहां पर देखो यहां पर एक भरोगे एक बन गया, यहां पर एक की पावर 17 करोगे एक बन गया, एक यहां से बन गया दो, एक यहां से बन गया तीन, एक यहां से बन गया चार, तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया पूरे क्वेश्चन का? चार। करिए नोट डाउन, शाबाश, करिए करिए करिए, शाबाश, जल्दी। अलजेब्रा तो गलत होने देता नहीं तुम्हारा पेपर में, बाकी पता नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा एक बार समझ में आ गया ना तो दिमाग में बैठ जाता है, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंसेप्चुअल चैप्टर है। या तो समझ आएगा ही नहीं, आएगा तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं अगर ढंग से समझ लोगे तो।
एक बार समझा हुआ आगे हमेशा काम आता है। कर लिया नोट डाउन? खिचड़ी सी पक गई क्या? दोबारा समझाऊं? कर लोगे नोट डाउन? कर लो फिर आराम से, दोबारा कर लो, बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण भाई, यहां पर जो अभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे पिछले जो कोर्स के अंदर क्लास है उसके क्वेश्चन अलग मिलेंगे, कंसेप्ट सेम है। अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे आपको, और बुक के अंदर आपको क्वेश्चन अलग मिलेंगे रिवीजन के लिए। मैथ में होता क्या, कहीं पे 17 दे देगा, कहीं पे 19 दे देगा, कहीं पे 23 दे देगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ भी दे दे। कर लिया नोट डाउन? कर लिया? चलो आगे देखो, अगर आपके पास एक कंसेप्ट और आ जाए, x प्लस वन बाय एक्स बराबर में आपको दे दे माइनस दो, और आपसे पूछ ले x की पावर 17 प्लस में x की पावर 19 प्लस में x की पावर 20 किसके बराबर होगा, फटाफट आंसर बताओ। हैं? कितना आएगा? माइनस का एक आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, माइनस एक आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास इतना। देखो एक्स की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, माइनस कर देंगे। अगर मैं यहां पे माइनस एक कर दूंगा तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो एक बटा एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस एक, और आंसर कितना आना चाहिए, माइनस दो। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आएगा। देखो माइनस एक तो ये रहा, एक को माइनस एक से भाग करोगे कितना आएगा, माइनस एक, प्लस वाला किसमें बदल जाएगा, माइनस में, तो माइनस दो होना चाहिए। माइनस एक माइनस एक माइनस दो, और यहां पर भी माइनस दो। इसका मतलब जो हमने वैल्यू रखी है बिल्कुल सही है ना। तो एक्स की वैल्यू हम कितनी भरेंगे, माइनस एक। तो यहां पर आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस एक भरी, माइनस एक की पावर 17 माइनस एक की पावर 19 प्लस में माइनस एक की पावर 20, तो आपके पास माइनस एक की पावर 17 करोगे। अगर आपके पास माइनस एक की पावर कोई विषम नंबर संख्या दी गई है तो आंसर हमेशा कितना होता है, माइनस एक। यदि माइनस एक की पावर आपको सम संख्या दी गई है तो आंसर क्या होता है, प्लस। पता है इस बात का? पता है? नहीं पता तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करो। पता है? अरे पता है क्या? नहीं पता तो बता दो यार। माइनस एक की पावर विषम, विषम का मतलब आपको पहले तो विषम संख्या पता होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। तो माइनस एक की पावर अगर मैंने 1 लिखा तो आंसर आएगा माइनस एक। माइनस एक की पावर मैंने 3 लिखा, इसका मतलब क्या होता है, देखो माइनस एक की पावर 3 का मतलब है माइनस एक को 3 बार गुणा करोगे। क्या करोगे? गुणा। 3 का मतलब है 3 बार क्या करोगे, गुणा। और रूल कहता है माइनस एक और माइनस एक, जब दोनों की गुणा करूंगा, एक को पहले एक से गुणा करूंगा एक, और माइनस माइनस की गुणा करो तो क्या बन जाता है, प्लस वन। ये बात पता है? माइनस माइनस की गुणा करो क्या बन जाता है, प्लस वन। तो माइनस और माइनस की गुणा करी, इन दोनों से मेरे पास क्या बन गया, प्लस वन, और यहां पर आपके पास था माइनस वन, बन गया। तो मैंने क्या करा, अब इस एक को इस एक से गुणा करा, एक बन गया, और प्लस और माइनस की गुणा हमेशा क्या रिजल्ट देती है, माइनस। एक भी बंदा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ जाए क्या कर देता है, नेगेटिव, बताया था ना, है ना। और दो नेगेटिव मिल जाए तो क्या हो जाता है, प्लस। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस उठ के इसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है, नहीं समझ आई? तो माइनस माइनस की गुणा, तो ये माइनस गायब होके ऊपर ऐसे अटक जाता है, अटक गया तो ये प्लस बन देगा, और ये प्लस वाले के माइनस वाले से गुणा करोगे तो कहता है इसके बाद बैठने की जगह ही नहीं है, तो ये इसको अपने ऊपर कब्जा कर लेगा, आंसर किसे बना देगा, माइनस में। समझ में आया? इसी तरीके से मेरे पास अगर माइनस वन की पावर मेरे पास सम संख्या दी है, जैसे 4, ठीक है, मैं बड़ा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा और डिटेल में। माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक लिखेंगे इसको, है ना। तो इस बार मैंने 4 बार लिखा तो माइनस एक क्या बन गया, अभी बताया था, इन दोनों से प्लस एक। उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों को भी पकड़ लिया, माइनस एक क्या बन गया, प्लस एक, और प्लस एक की प्लस एक से गुणा होगी तो क्या बनेगा, प्लस एक, पता है ना। तो प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस माइनस की गुणा
क्या होती है प्लस, लेकिन अगर साइन अलग अलग होंगे तो आपके पास देखो अगर प्लस प्लस है तो आंसर आएगा प्लस में, माइनस माइनस है तब भी आंसर आएगा प्लस में, पहले माइनस है बाद में प्लस है तो आंसर आएगा माइनस, पहले प्लस है बाद में माइनस है तो आंसर किसमें आएगा माइनस। ये बात नोट कर लो, जिसको नहीं पता शर्म ना करा करो, मैं फिर कह रहा हूं शर्म ना करा करो, जिसको नहीं पता तंग हो गया आगे चैप्टर के अंदर। अब तुम सोचोगे साथ वाला नोट नहीं कर रहा, मैं क्यों ना नोट करूं, है ना, तो साथ वाले के पास वही पता नहीं क्या ही कुछ हो, उसका पापा एसडीएम लग रहा हो, डीसी लग रहा हो, 50-60 किलो जमीन हो, तुम्हारे तो क्यों नहीं है, सही बात है, साथ वाले को क्यों देखते हो, उसके घर पे अब तक क्या तकड़ा भी हो, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को 6 महीने देंगे नौकरी की तैयारी के लिए, 6 महीने बाद नौकरी नहीं लग के जाओगे लठ मारेंगे, क्या अब तक अगले के घर वाले आरती उतारे हैं, आजा मेरा बेटा कोई बात नहीं मौज मस्ती कर आया ये बिजनेस में लाग जा, क्या अब तक अगले की आरती की दुकान हो गई, बढ़िया अच्छा मोटा पैसा आता हो, सिर्फ एक शौक हो नौकरी का या घूमने का अकेडमी में तैयारी करने का, अगला नींद करता नोट क्या कर लोगे, उसको मत देखा करो, अपने आप को देखो कि आपको जरूरत है नौकरी की तो आप नोट करो, समझ में आई, तो भाई ये चीज थी आपके पास, ये समझ में आ गया कंसेप्ट, फिर आप वापिस आते हैं अपने कंसेप्ट पे, देखो क्वेश्चन क्या था, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर माइनस दो था, मैंने यहां पे एक्स की वैल्यू रखी थी माइनस वन, तो माइनस वन और इसको रख के देखा मेरे पास वेरीफाई हो गया, इससे पता चला एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन, फिर मैंने एक्स की वैल्यू यहां पे रखी माइनस वन, माइनस वन की पावर 17 विषम संख्या है, विषम है तो आंसर किसमें आएगा माइनस वन, यहां पर माइनस वन की पावर विषम संख्या तो आंसर किसमें आएगा माइनस वन, की पावर सम संख्या तो आंसर किसमें आएगा प्लस वन, पता चल गया, अब माइनस वाला प्लस वाले को काट देगा, माइनस वाला प्लस वाले को काट देगा, काट देगा तो आंसर क्या बचेगा माइनस वन, करिए नोट डाउन, अभी बहुत आएंगे, अभी तो तब जो शुरू हुआ है, अरे तो पता नहीं क्या क्या देखेगा, 81 भी देखेगा, 87 भी देखेगा, बहुत आएंगे अभी, कर लिया नोट डाउन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ना होंगे हम 50 कर ले और हमें क्वेश्चन 5 भी समझना है, इससे बढ़िया क्वेश्चन 25 कर लो, समझ आ जाए एक एक चीज, क्या आप इन्हीं में से अटक जाए पेपर में, वहां तक जुड़ती ना पड़े, क्लियर हो गया, ये तुम्हारे भले के लिए करवा रहा हूं, माइनस वन की पावर सम विषम, मुझे पता है तुम में से 2-4 को नहीं आता, बोलेंगे नहीं, कसम खा रखी है, भी हम फीस देंगे लेकिन हक नहीं लेंगे फीस का, तुम्हारी तरह मैं, तुम्हारी तरह मैं होता था ना, बताया था खड़ा हो जाता था, मास्टर जी आप नहीं रोक लो पेन को और बताओ, जब तक नहीं बताओगे आगे बढ़न कौन दो, फिर आता है मजा, जब समझ नहीं आया तो भाई फीस दे रखी, हक निकालो उसका, कह दो जी समझा के जाओ आज, तो मैं जाऊंगा नहीं, फिर तो देखो मास्टर को बताना पड़ेगा, जैसे मर्जी समझाए, छोटे तरीके से बड़े तरीके से जैसे मर्जी करवाएगा, तो तुम भाई हक निकालना नहीं चाहते, तुम्हारी मर्जी है, निकाल लिया करो भाई हक, ठीक है, चलो ये इतना समझ में आ गया, अब कहते हैं आपके पास तीन वाला भी आ सकता है, जैसे मान लो आपके पास आया, पहले तो ए प्लस बी सारी की पावर 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab इंटू ए प्लस, होता है फॉर्मूला a प्लस बी सारे की पावर 3 किसके बराबर होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, इसी तरीके से a माइनस में b सारे की पावर 3 किसके बराबर होता है, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और कई बार इसको क्या करता है, कई बुक वाला इसको खोल के लिख देता है, यहां पर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है बुक्स के अंदर, लेकिन अपने को ये वाला यूज करना है, वो यूज नहीं करना, दो कंसेप्ट बनते हैं इसके, ये वाले देखो, ए की 3 माइनस बी की 3, यहां पर माइनस 3ab की इससे गुणा करोगे आप कैसे बनेगा माइनस 3a² b, और माइनस इसकी गुणा करोगे तो आप कैसे बनेगा प्लस का 3ab² ऐसे ऐसे, ये भी लिख के दिया होता है, ठीक है, तो आपके पास अपने को ये वाला यूज करना है फिलहाल, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है जैसे ये एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर में 3, और आपसे पूछेगा x की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 किसके बराबर होगा, शॉर्टकट बताऊं या पूरा सोल्व करके दिखाऊं, बोलो, चलो एक बार एक कंसेप्ट दिखा देता हूं फिर आपको आगे से समझ में भी आ जाएगा, यहां पर नंबर है, मुझे यहां पर इस बार पावर 3 चाहिए, x की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मुझे यहां पर पावर 3 चाहिए
तो रूल कहता है क्या, अगर हमें तीन चाहिए तो तीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, तीन वाला। तो तीन वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, अभी जो सिखाया था, सिखाया था क्या था, तीन वाला फॉर्मूला, इसकी पावर तीन करोगे, x प्लस वन बाय एक्स सारे की पावर तीन करोगे तो आपके पास नंबर की पावर भी कितनी हो जाएगी, तीन। तो यहां पर x की पावर तीन प्लस वन बाय एक्स की पावर तीन प्लस में थ्री ए बी, ए ए कितना है आपके पास x, और b कितना है वन बाय एक्स, और a प्लस में b फॉर्मूला होता है ना, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है x प्लस वन बाय एक्स, बराबर में नंबर की पावर कितनी हो जाएगी, तीन। इधर पावर तीन किया तो इधर भी पावर तीन हो गए, तो ये बन गया a की तीन प्लस बी की तीन प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, समझ में आया, जहां a आया वहां x लिखना है और जहां b आया वहां पे वन बाय एक्स लिखना है, समझ में आ गया यहां तक, अरे आ गया क्या यहां तक समझ, चलो शुक्र है। उसके बाद देखो हमें जो चाहिए वो रख लेंगे, बाकी सारा डाटा कोशिश करेंगे भगाने की, हमें सिर्फ ये चाहिए x की पावर 3 प्लस 1 बाय x की पावर 3। अब देखो x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है कट गया, तो आपके पास बच गया क्या 3 इंटू x प्लस 1 बाय x, और x प्लस 1 बाय x मेरे पास किसके बराबर है, नंबर के, तो मैं यहां पे लिख दूंगा नंबर बराबर में नंबर की पावर 3। तो मेरे पास x की पावर 3 प्लस 1 बाय x की पावर 3 किसके बराबर आ गया, नंबर की पावर 3 माइनस, प्लस 3 नंबर है माइनस में 3 इंटू में, तो ये मेरे पास आंसर आएगा हर क्वेश्चन का, अगर मेरे पास यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, और माइनस होगा तो यहां प्लस होगा, करिए नोट डाउन। तो आपके पास ये है कंसेप्ट, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है तो मैं चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दूंगा, उस नंबर की पावर 3 करके माइनस का 3 इंटू में क्या लिख दूंगा, नंबर, करिए एक बार। आया समझ में, तो यहां पे आपके नंबर की जगह 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, सर ये मैं करता हूं क्लास चल रही है। मनीष जांगड़ा रात को भी क्लास है 9 बजे, रात को 9 बजे जो क्लास है उसमें आपको आज मेंसुरेशन और एक चैप्टर है आपके पास हाई डिस्टेंस, इन दोनों में से कोई भी चैप्टर करवा देंगे जो पेपर में आ रहे हैं, ये जो भी पेपर के अंदर आया फीमेल कांस्टेबल में ये आपको चैप्टर करवा देंगे, और जो अपनी बुक है वही टाइमलाइन ऑफ हरियाणा वाली पूरे हरियाणा में पहुंच चुकी है, कहीं से भी आप ले सकते हो हर सिटी से, जिस भी बच्चे का एग्जाम है एसआई का जरूर ले लेना भाई, वरना फिर पछताओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे उस बुक से। राहुल चौहान भाई क्या करूं, जैसे बच्चों का लेवल है उस हिसाब से करवाना पड़ता है, इससे फास्ट और क्या करवाऊं बताओ, फास्ट कराऊंगा समझ ही नहीं आएगा क्या करोगे। आप कुछ और पढ़ लो बाद में, स्पीड 2x करके पढ़ लेना इस क्लास को, और क्या करो यही कर सकते हो, ऑफलाइन पढ़ लेना बाद में जिसको जल्दी है, अभी कुछ और पढ़ लो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, जिसको कुछ और पढ़ना है पढ़ लो, कर लिया भाई। चलो इसी तरीके से कहता है अगर आपके पास x प्लस वन बाय एक्स बराबर में कोई भी नंबर दिया है और आपसे x की पावर 3 प्लस वन बाय एक्स की पावर 3 पूछी है, तो आगे से क्या करेंगे, नंबर की पावर 3 करके माइनस का 3 इंटू नंबर कर देंगे। लेकिन कहता है अगर आपके पास यहां पे पूछा है x माइनस वन बाय एक्स बराबर में कोई नंबर दिया है, इस बार आपको यहां पे देगा भी माइनस में और पूछेगा भी माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला ही आपके पास माइनस होता है, तो आपसे पूछेगा x की पावर 3 माइनस वन बाय एक्स की पावर 3, तो आपको क्या करना है, नंबर की पावर 3 तो करना ही करना है, यहां माइनस है तो यहां पे क्या कर दोगे प्लस, बस ये चीज आपको ध्यान है, करो ये दोनों नोट डाउन, अगर आपके पास प्लस दिया है तो प्लस ही पूछेगा, माइनस दिया तो माइनस पूछेगा, और यहां पर प्लस दिया तो यहां माइनस आएगा, और यहां पे माइनस दिया तो यहां पे प्लस आएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहां पे क्वेश्चन ले लिया x प्लस वन बाय एक्स बराबर में 5, तो कहता है x की पावर 3 प्लस वन बाय एक्स की पावर 3 बताओ फटाफट, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू नंबर, नंबर की वैल्यू कितनी भरोगे 5, क्योंकि 5 दिया था 125 माइनस का 15, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 110। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे दिया सेम इसी के अंदर, ऐसे आपको यहां पे दे दिया x माइनस वन बाय एक्स बराबर में 5, और आपसे पूछा x की पावर 3 माइनस वन बाय एक्स की पावर 3 किसके बराबर होगा, तो नंबर की पावर 3 करके प्लस इंटू 3 नंबर कर दोगे, तो 5 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में 5, तो 5 की पावर 3 125 प्लस में 15, आंसर आ जाएगा 140।
करिए नोट डाउन, दोनों क्वेश्चन कर लो, बाकी घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बुक के अंदर काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं या तो बुक ले लो मार्केट से मैथ की, और एग्जाम बोर्ड ऐप पर इसकी पीडीएफ डाली हुई है फ्री में, अलजेब्रा की एडवांस मैथ में पीडीएफ डाली हुई अलजेब्रा की, प्रैक्टिस कर लेना आराम से इसको, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं पांच ही जगह कई बार सात लिखूं तीन लिखूं उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, आपको घन आना चाहिए, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा अगली बारी, फिर 11 का घन लिखूंगा 1331, 1331 में से कितना घटा दूंगा 33, है ना, और उसमें 33 जोड़ दूंगा, वो तो पागल बनाने वाली बात है। समझ में आ गई, आपको वहां करवा दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर से कर सकते हो, क्लियर है। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आपको तंग कर सकते हैं। ये कर लिया ना सभी ने, नोट कर नहीं किया तो करो फटाफट। मैं इतने टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो पेपर में पूछ सकता है आपसे, जिसकी शक्ल देख के बच्चा डर सकता है। आपके पास कई बार सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है, एक बार लिखो, कर लिया नोट डाउन। एक क्वेश्चन है आपके पास 5x + 1/5x = 12, तो बताइए फटाफट आपके पास 25x² + 1/25x² किसके बराबर होगा, जल्दी शाबाश। इसकी शक्ल देख के डरना नहीं है, ये पांच है ना जो इसके साथ फालतू है, इस पांच का वहां पे क्या बना दिया 25, इस पांच का भी वहां क्या बना दिया 25, सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, करो शाबाश। तो विशाल यादव प्रणाम, मेरे छोटे भाई प्रणाम, हो गया भाई सभी का। तो आपके पास यहां पे 5x देगा तो यहां पे 25x भी तो दे रखा है ना, वही सिस्टम लगेगा, 12 की पावर 2 माइनस का 2, 144 माइनस का 2, आंसर आ जाएगा 142। तो घबराना नहीं है कि सर जी आपने तो x करवाया था पेपर में, 5x आ गया 7x आ गया, एक ही बात है, यहां 7x देगा तो यहां पे 49 भी तो देगा, समझ में आई। तो आपके पास सेम कंसेप्ट है, सेम सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इससे अलग, जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी पेपर में हो सकती है, ये इसमें तो नहीं होगी जो अभी लिख रहा हूं, अगले में लिखूंगा, एक बार इसको कर लो माइनस वाले को, वरना फिर रह जाएगा ये 9x - 1/9x आपको बराबर में 10 दे रखा है, और आपसे पूछा 81x² + 1/81x² फटाफट करो इसको। तो आपके पास माइनस है तो यहां पे क्या करोगे, नंबर की पावर 2 प्लस का तो 10 की पावर 2 100 + 2, आंसर कितना आएगा 102 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा तो यहां प्लस करेंगे, प्लस होगा तो यहां पे माइनस, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 7x + 1/2x = 6 आपको दे रखा है 6, और आपसे पूछा है फिलहाल 49x², सिंपल ही है ये तो, 49x² + 1/4x² बराबर कितना होगा, जल्दी। यहां पे 7x + 1/2x = 6, तो वहां पर पूछा है 49x² + 4x, तो आपके पास 6 का स्क्वायर 36 में से क्या घटाओगे, आंसर कितना आया, कर लोगे, कर लो नोट कर लो एक बार फटाफट, जल्दी करो। अरे कर लिया क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बोल, बोलो 49 इसका बन जाएगा 49x², अच्छा इसमें आपके पास कटेगा नहीं, ये थी इसमें, हाँ ये वाला आपके पास अलग था क्वेश्चन, सॉरी यहाँ अपने जल्दबाजी में कर दिया। देखो एक बारी, आपके पास 7x + 2x = 6 था, यहाँ पे आपके पास बनेगा 49x², यार मैंने भी नहीं दिया, थैंक यू भाई, 4x² यहाँ पे आपके पास बन गया, आपके पास पिछले में सेम था तो कट गया था, इसमें कटेगा नहीं, तो देखो 49x² + 1/4x², यहाँ पे 7 नहीं लिखा हुआ था, सॉरी 2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपके पास करोगे 2ab, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 7x * में यहाँ पर बनेगा कितना 2x, ये बनेगा ना यहाँ पे, और बराबर में यहाँ पे बनेगा 36, तो आपके पास ये था यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा 49x² + 1/2, पिछले में भी लगता क्या,
पिछले में सेम था ना, हाँ सॉरी यहाँ पे सेम था, इसी क्वेश्चन में था, तो यही क्वेश्चन आपको कह रहा था, यहाँ पर हो सकती है गड़बड़। देखो 7x का आ जाएगा 49x2, इसका आ जाएगा एक बार 4x2 प्लस में 2ab, ab करोगे ना तो इस बार सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे कटेगा x, कट गया, और यहाँ पे आपके पास कटेगा 2, कट गया, तो आपके पास यहाँ पर 49x2 प्लस में 1/4x2 प्लस में आपके पास यहाँ पे 7 बचना था, है ना, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 36, तो इस बार प्लस 7 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 49x2 प्लस में 1/4x2 बराबर में 36 माइनस का 7, यहां पर आंसर इस बार आपके पास 29 आना था, बाई चांस गलती होगी कोई बात नहीं, करो इसको ठीक। ठीक कर लेना भाई लाइव वालों इसको, जो बच्चा भाग गया हो तो कुछ कह नहीं सकते, जो बच्चा बैठा है तो इसको ठीक कर लेना भाई। जिस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे नीचे 2 आएगा तो 2 कट जाएगा, अगर यहाँ पे आपके पास जैसे कोई और वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 आएगी तो वो भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे, क्लियर नो डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6x माइनस का 1/2x, 6x माइनस का 1/2x बराबर में 6, तो आपसे पूछा है यहाँ पर 36x² प्लस में 4x², 36x² प्लस में 1/4x², ये पूछा आपसे, करो भाई 36x² प्लस में 1/4x², हो गया भाई, तो आपके पास देखिए जहां पर इसको करोगे तो सबसे पहले तो ये बनेगा 36x² प्लस में 1/4x², ये बनेगा माइनस वाले का यहां पे, तो ये बनेगा, आगे देखो यहां माइनस है तो यहां पे आएगा माइनस 2, ए कितना है 6x और बी कितना है 1/2x, ये है बराबर में आपके पास 6x² बनेगा 36, तो कहता है 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो माइनस का क्या बचेगा 6, तो 36x² प्लस में 1/4x², और यहां पर आपके पास आना था माइनस 6 बराबर में 36, तो माइनस 6 उधर आकर के आपके पास 36 प्लस में 6, आंसर कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करो इसके बाद, समझ में आ रहा है ये, आगे अगला क्वेश्चन करो इसी तरीके का, एक क्वेश्चन और दिया है 3x प्लस 1/2x बराबर 8, 3x प्लस 1/2x बराबर में 8, और आपसे बोला गया क्या 9x² प्लस में 4x² इसके बराबर होगा, फटाफट करो इसको, जेम्स बॉन्ड थैंक यू मेरे भाई। आगे देखो 3x प्लस 1/2x बराबर 8 है, तो इसका 9x² आएगा, इसका 4x² आएगा, प्लस में आपका 2ab, a में क्या आएगा 3x और b में क्या आएगा 1/2x, बराबर में क्या आएगा 8² 64 हो जाएगा ये, है ना, तो आपके पास बाकी तो सेम आएगा 9x² प्लस में 1/4x², और यहां पर आपके पास 2 से 2x कट जाएगा ये, तो आपके पास प्लस का क्या बचेगा 3 बराबर में 64, तो आंसर आएगा 64 माइनस का 3, आंसर कितना बनेगा 61 हो जाएगा ये। टाइम हो गया क्या, आज आपको एक ही लेक्चर दूंगा मैं, क्योंकि अलजेब्रा चल रहा है और बीच में रुक गया तो रुक ही जाएगा ये, थोड़ी देर वेट कर लोगे, थोड़ी देर वेट कर लोगे, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगला क्वेश्चन दे दो, देखो 2x प्लस 1/3x बराबर में आपको दे रखा है 6, 2x प्लस 1/3x बराबर में दे रखा है 6, अलग टाइप है, थोड़ी सी ध्यान देना, 9x² प्लस में 1/4x², थोड़ा सा अलग है, देखो 2x प्लस 1/3x बराबर में 6 दे रखा है, आपसे पूछा 9x² प्लस में 1/4x², इस बार क्या होगा, देखो 2x का तो बनता है 4x², इसने दे रखा है वहां पे 9, और 3x का दे रखा है वहां पे 9x² बनता है, उल्टा दे रखा है 4x², तो क्या करोगे, कैसे ले जाएंगे मजे में, ऐसे उल्टा नहीं होता, देखो मैं बताता हूं क्या करना,
जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, देखो वहां पे आपको नो एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब यहां पे कितना होना चाहिए, तीन, और यहां पे कितना बचना चाहिए, दो। कुछ ऐसा करो किसी संख्या से गुणा करके कि यहां पर तो तीन आ जाए और यहां पे दो बच जाए। नहीं समझ आए? मैं इस पूरी संख्या को तीन बटा दो से गुणा कर देता हूं, अगर मैं आपको इस पूरी संख्या को तीन बटा दो से गुणा करता हूं इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा, अगर यहां वर्ग करता हूं तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो कहता अगर मैं इसको तीन बटा दो से गुणा करूंगा, तीन बटा दो से पूरी संख्या को, तो पहले तो इसके साथ गुणा होगा, होगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस, फिर तीन बटा दो दोबारा लिखोगे, इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ होगा, होगा ना। और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, दो एकम दो, दो तीय छह, तीन तीय, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो क्या होगा, देखो आपके पास दो से दो कट गया, कट गया, कट गया, तो यहां पे बचा तीन, यहां बचा x, तो बच गया तीन x, आ गया मेरे पास जो चाहिए था मुझे। यहां पर मेरे पास देखो तीन से तीन कट गया, तो नीचे क्या बच गया, वन बाय दो एक्स, बराबर में नंबर बदल गया, कितना हो गया नो। अब इस नंबर पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं, ये वाला, समझ में आई? तीन एक्स का तो बनेगा नो एक्स स्क्वायर, और दो एक्स का बनेगा चार एक्स स्क्वायर, बन जाएगा प्लस में क्या बनेगा, टू ए बी, 2ab, a कितना है तुम्हारे पास 3x, और b कितना है तुम्हारे पास 2x, है बराबर में नंबर का स्क्वायर कितना है 81, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब देखो आप क्या, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, प्लस का कितना बच गया 3 बराबर में 81, और प्लस 3 इधर आगे क्या बन जाएगा माइनस 3, 81 में से 3 गया कितना आ गया 78, और यहां पे यही बच गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस में 1 बाय 4x स्क्वायर। करो शाबाश, नोट डाउन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में और सीपीओ में, आ जाए तो पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, पता होना चाहिए। यहां तीन बटा दो से गुणा करने, देखो आपको इसको उल्टा करना है, देखो ध्यान से, यहां दो और तीन लिखा हुआ है, और हमें यहां क्या चाहिए, तीन और दो, तो जो तीन चाहिए तो ऊपर तीन आएगा, नीचे दो चाहिए तो नीचे क्या आएगा दो, सोचना नहीं पड़ेगा पेपर में किससे क्या करें, ऊपर कितना चाहिए तीन तो तीन ले आओ, नीचे कितना चाहिए दो तो दो ले आओ, या काट के देख लो यार, नहीं समझ आओ तो बस। उम्मीद करता हूं कि बात पल्ले पड़ गई होगी, कर सकता हूं उम्मीद, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपने आप पल्ले पड़ जाएगी। क्लियर, नो डाउन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस 1 बाय 5x बराबर 8, 2x प्लस 1 बाय 5x बराबर 8, और आपसे पूछा इस बार क्या कि 25x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर, दो तीन क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या आएगा आंसर। बताओ बताओ फटाफट, पहले किससे गुणा करेंगे, पांच बटे दो से, क्योंकि ऊपर क्या चाहिए पांच और नीचे क्या चाहिए दो, तो पांच बटा दो से इसको गुणा करोगे और पांच बटा दो से इसको भी गुणा करोगे, करोगे ना, नहीं समझ आई? इसको यहां करोगे तो ये दो से दो कट जाएगा, पांच एक्स बच जाएगा, तो करो यहां पे आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बचेगा पांच एक्स, और यहां पर आपके पास बचेगा पांच से पांच कट गया, नीचे आएगा दो एक्स, और बराबर में यहां बचेगा दो चार पे काटा, चार पंजे बीस, क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये क्वेश्चन अब सिंपल बन गया, उसके आगे आपको आता ही निकालना, निकाल लोगे तो कहता है अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास बनेगा 25x स्क्वायर प्लस में 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 मेरे पास a आ गया, 5x मेरे पास a आ गया, और b मेरे पास नीचे कितना है 2x, ये 2 से 2 x से x कट गया, तो मेरे पास यहां पे बच गया 20 का स्क्वायर, यही बात है, है ना? तो आपके पास यहां पे 20 था, 20 का स्क्वायर यहां पे बन गया, तो मेरे को चाहिए 25x स्क्वायर प्लस में 1 बटा 4x स्क्वायर बराबर में 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से प्लस कितना था 5, ये माइनस 5, वेरीफाई कर लेना आपके पास
इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो गड़बड़ है, आ रहा है तो ठीक है। आ गया सभी का? कोई समझ नहीं आया? आया समझ में इसको? फिर ठीक है, क्योंकि जब इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है ना तो थोड़ा समझ आना कम शुरू हो जाता है। ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, हो जाएगा। चलो, ये आपके पास जो है अलजेब्रा का पार्ट वन था। कल सुबह सेम इसी टाइम हम अपने पास लगभग क्लास का टाइम बता देता हूँ, पार्ट टू करेंगे। और पार्ट टू के लिए आपका जो टाइम रहेगा कल सुबह 9:20 से 10:20 पे लगा लो आप, 10:20 पे कल आपकी क्लास रहेगी अलजेब्रा पार्ट टू की। पार्ट वन कर लिया, पार्ट टू इससे थोड़ा सा आगे एडवांस है, ठीक है। पार्ट वन आएगा तो टू समझ में, इसको घर जाके कर लेना। किसी और चैप्टर के लिए मैं तुम्हें कभी कहता भी नहीं घर जाके पढ़ो, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसको आज घर जाके थोड़ा और तसल्ली से पढ़ लेना। 3 की जगह 5, 5 की जगह 7, 10, 11 अपनी मर्जी से लेते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब तुम्हारी